Morning students, we have done chapter 8 in the last class. Now we will start chapter 10. Time. We use number to write the time. हम numbers use करते हैं time को लिखने के लिए. An hour है 60 minutes. One hour में 60 minutes होते हैं. Half an hour है 30 minutes और half an hour में 30 minutes होते हैं. इसमें कितना time बचा है clock में देखेंगे. Short hand हार्स वाली होती है और लॉन्ग हैंड मिनट्स वाली होती है. तो शॉर्ट हैंड 8 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है. तो ये कितने हुए 8 ओ क्लॉक. क्या लिखेंगे इसको 8 ओ क्लॉक या 8.00. और अगर लॉन्ग हैंड 6 पे हो तो वो हाफ एन आवर माना जाता है. लॉन्ग हैंड 12 पे हो तो वन आवर माना जाता है और अगर 6 पे हो तो हाफ एन आवर माना जाता है. शॉर्ट हैंड 8 के आगे है और लॉन्ग हैंड 6 पे है तो 8:30 हाफ पास्ट 30 यानी हाफ पास्ट 8 यानी अपन का आधा घंटा ज़्यादा हो गया है 8 बजने से. ओके और इसको 30 कैसे बोला, यहाँ 5 का टेबल बोलते हैं. 5 10 15 20 25 30 इसको 35 40 45 50 55 60 5 का गैप में चलता है ये. तो अगर लॉन्ग एंड 6 पे हो तो वो 30 मिनट्स होते हैं और लॉन्ग एंड 12 पे हो तो वो पूरा वन आवर होता है. ओके व्हेन द मिनट्स हैंड इज पॉइंटेड टू 6 द क्लॉक शोड अ टाइम इन हाफ आवर. अगर लॉन्ग हैंड 6 पे पॉइंट करती है मिनट वाली तो वो हाफ आवर माना जाता है. राइट द टाइम इन द टू वेज. टू वे में टाइम बताना है. इसमें शॉर्ट हैंड 4 पे है लॉन्ग हैंड 12 पे तो क्या हुआ 4 ओ क्लॉक. तो 4.00 4 ओ क्लॉक. इसमें शॉर्ट हैंड 7 से थोड़ा आगे है और लॉन्ग हैंड 6 पे है तो 7:30. 6 पे क्या होते हैं 7:30 30 माना जाता है 6 पे तो हाफ पास 7 ओ क्लॉक. हाफ पास 7 ओ क्लॉक आधा घंटा ज़्यादा हो गया है 7 बजे से. अब यहाँ हम देखेंगे शॉर्ट हैंड 9 से थोड़ा ऊपर है तो अपन क्या लिख देंगे 9 और लॉन्ग हैंड 30 पे क्या लिख देंगे 9:30 और इसका क्या लिख देंगे हाफ पास 9 9 ओ क्लॉक. हाफ पास 9 ओ क्लॉक 9 बजे से आधा घंटा ज़्यादा हो गया है. इसमें कितने पे है शॉर्ट हैंड 10 पे और लॉन्ग हैंड कितने पे है 12 पे तो ये 10.00 12 पे होगी तो 00 आ जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा 10 ओ क्लॉक. क्या आ जाएगा 10 ओ क्लॉक. ओके इसमें 4 पे शॉर्ट हैंड है 12 पे लॉन्ग है तो 4.00 4 ओ क्लॉक. इसमें शॉर्ट हैंड 11 और 12 के बीच में तो 11 और लॉन्ग हैंड 6 पे यानी 11:30 तो क्या आ जाएगा हाफ पास्ट 11 11 बजे से आधा घंटा ज़्यादा हो गया है. हाफ पास्ट 11. ओके नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10A. ड्रॉ लाइन टू मैच द क्लॉक विथ टाइम. हमारे को मैच करना है टाइम से. इसमें कितना है 1 पे है शॉर्ट हैंड 12 पे है लॉन्ग हैंड तो 1 ओ क्लॉक हुआ तो 1.00. यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट हैंड कितने पे है 4 और 5 के बीच में यानी 4 पे मानेंगे लॉन्ग हैंड 6 पे तो कितना हो गया 4:30. देखेंगे 4:30 कहाँ है यहाँ पे है 4.30 यहाँ मैच कर देंगे. यहाँ पे शॉर्ट हैंड 9 से थोड़ा ऊपर है और लॉन्ग हैंड 6 पे है तो 9:30 देखेंगे कहाँ पे है यहाँ पे है तो यहाँ से इसको मैच कर लेंगे. इसमें क्या शॉर्ट हैंड 9 पे लॉन्ग हैंड 12 पे तो 9 ओ क्लॉक 9.00. एंड यहाँ पे कितना है 10 और 11 के बीच में यानी 10 मानेंगे और यहाँ लॉन्ग हैंड 6 पे है तो 10:30. ओके क्वेश्चन नंबर 2 शो द टाइम ऑन ईच ऑफ द क्लॉक. इसमें हमारे को टाइम शो करना है. हमारे को क्लॉक बना के दे दी है. हम इसको कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं. कॉपी में हम इसको स्क्वायर क्लॉक भी बना सकते हैं चाहे सर्कल भी बना सकते हैं. अब इस पर हमारे को क्या करना है 9 ओ क्लॉक बनाना है तो 9 ओ क्लॉक है तो उसको अपन कैसे करेंगे शॉर्ट हैंड तो 9 पे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे तो क्या हो गया 9 ओ क्लॉक. इसको कैसे लिखेंगे 9.00. 9 ओ क्लॉक कैसे लिखेंगे 9.00. सेकेंड इज हाफ पास 7 यानी 7 से आधा घंटा ज़्यादा
यहाँ डॉट लगाएंगे, सेवन और एट के बीच में शॉर्ट हैंड एंड सिक्स पे लॉन्ग हैंड, सिक्स पे लॉन्ग हैंड और सेवन और एट के बीच में शॉर्ट हैंड, तो कितना हुआ 7:30। हाफ पास को क्या बोलते हैं 30, और सेवन पे शॉर्ट हैंड है तो 7:30। ऐसे आगे वाले भी होंगे 1 o'clock, तो एक स्मॉल हो जाएगा 1 पे और लॉन्ग हो जाएगा 12 पे, तो कैसे लिखेंगे अपन 1.00। इसको आगे भी सबको भी ऐसे ही करेंगे। हाफ पास 4 है तो शॉर्ट हैंड 4 और 5 के बीच में हो जाएगा और लॉन्ग हैंड 6 पे हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4:30। हाफ पास में पीछे 30 आ जाता है, ओ क्लॉक में 00 आ जाता है। ओके okay?